सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए राजस्थान विधानसभा की ये तस्वीरें जहां पर सत्र की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी ही देर में देखिए राष्ट्रपति वहां पर पहुंच चुकी हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र जी से माननीय राष्ट्रपति महोदय को हरियाली, खुशहाली, वृद्धि और प्रगति का प्रतीक नन्ना पौधा भेंट करने के लिए अनुरोध है। माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी से अनुरोध है, आप भी माननीय राष्ट्रपति महोदय को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। आज के आयोजन की स्मृतियां माननीय राष्ट्रपति महोदय के जेहन में हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। राजस्थान विधानसभा की ओर से आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी से स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी से स्वागत उद्बोधन हेतु अनुरोध है। महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, उपस्थित माननीय सदस्यगण, संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की विधानसभा की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की विषय है कि आज़ादी के बाद राजस्थान विधानसभा को यह सौभाग्य मिला है कि राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हम सदन में सुन सकें, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम भारत के संविधान में ये कल्पना की गई थी कि इस देश में हम जो संविधान बना रहे हैं, उस संविधान के अंतर्गत जस्टिस, इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी जो मिल सके, उसके संबंध में हमने सबने संविधान बन के ये कल्पना की थी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, निर्माण करने के लिए हम देश की नीतियां बनाएंगे संसदीय प्रणाली के अनुसार। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमने राजनीतिक जस्टिस तो प्राप्त किया, पर आर्थिक और सामाजिक जितनी हमें उन्नति करनी चाहिए थी और जो इक्वलिटी हमें पूरी करनी थी, अभी हम आंशिक रूप में उसमें सफलता प्राप्त की है। आज भी हिंदुस्तान की जनता आपसे और हमसे अपेक्षा करती है कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से संविधान में जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को जो नियमावली के अंतर्गत ये कानून और नियम बनाने का अधिकार दिया है, उनके अनुसार नियम और कानून इस तरह से बने कि इस देश के संविधान की जो कल्पना प्रीएम्बल में की, उसको हम सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और देश की जनता को वो सब
साकार करके दे सकें जिसकी हमारी प्रीएम्बल में कल्पना की गई थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 75 साल में जो नीतियां बनाई हैं उन नीतियों के कारण इस देश में बदलाव हुआ है और आज दुनिया की हम ताकतवर देश भर के उभरे हैं। पर आज भी सामाजिक समरसता और सामाजिक जो हमारा उद्देश्य था उसको प्राप्त करने में हमें और लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपकी ये उपस्थिति, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि आपके राष्ट्रपति बनने के बाद आपने राजस्थान विधानसभा को यह अवसर दिया जहाँ पे ये हमको संबोधित कर सकें, ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिससे हिंदुस्तान के 123 करोड़ लोगों को ये विश्वास हो सके कि संसदीय लोकतंत्र में एक साधारण परिवार से निकलकर लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आदमी पहुंच सकता है। और यही एक उदाहरण होता है, यही एक प्रेरणास्पद चीज़ होती है जिससे लाखों करोड़ों लोग जो अपने आप को संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से कल्पना कर सकें कि हमें भी अवसर मिलेगा आर्थिक समानता पूरे करने का, हमें भी अवसर मिलेगा सामाजिक समानता पूरा करने का। और इसी उद्देश्य से मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। मुझे यहां पर यह भी स्मरण करना है माननीय महामहिम महोदय, राजस्थान वो प्रदेश है जिस प्रदेश ने आज़ादी के बाद जिस तरह से देश का निर्माण करने का प्रदेश का निर्माण करने का कल्पना किया, ये सदन तो उसका साक्षी नहीं है। वो सदन पुराना सदन था, उस पुराना सदन में 1952 से लगाकर 98 तक हमारे यहाँ जो नेता थे उन्होंने संसदीय परंपराओं का जो निर्माण किया, जो आदर्श स्थापित किए, वो आज दुनिया में हम सब के लिए और आज हिंदुस्तान में हमारे सब के लिए उदाहरण है। इसी उन्हीं विधानसभा में बैठकर हमने कानून बनाए, वो कानून बनाए जिसमें आज जागीरदारी प्रथा के बाद लाखों करोड़ों लोगों को जमीन का अधिकार मिल सका। लैंड रिफॉर्म के सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोग्रेसिव लॉज कहीं बने हैं तो राजस्थान में बने, और वो का सदन वो पुराना सदन है मान्यवर। पर इस नए सदन में मुझे आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता है। इस सदन की कल्पना हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हरिशंकर जी बाबरा ने की थी, पर आज़ादी के बाद इस सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं कुछ को छोड़कर माननीय महामहिम महोदय, आज़ादी के बाद जो लोग जिनका जन्म हुआ है वो आज विधानसभा में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं का नेतृत्व करने वाले लोगों ने इसलिए 23 साल में राजस्थान के निर्माण करने की कल्पना की। वो राजस्थान जहाँ सड़क नहीं थी, वो राजस्थान जहाँ बिजली नहीं थी, वो राजस्थान जहाँ इरीगेशन की सुविधा नहीं थी, वो सब हमने प्राप्त की। और इन 23 सालों में इस नई सदन में बैठकर हमने राजस्थान की जनता के जीवन को परिवर्तन करने के लिए व्यक्तिगत योजना की लाभ बनाने का काम किया और आज इस मुकाम पर हम खड़े हुए हैं। वहाँ बड़े गौरवान्वित होकर कहना चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा काम राजस्थान में हमने किया और आने वाले समय में इस प्रदेश के माध्यम से सारे दुनिया के लोगों को बता सकेंगे कि लोकतंत्र में एक प्रदेश जो जहां पर सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो भी हमने प्राप्त किया और व्यक्ति जीवन के परिवर्तन करने के लिए नियम और कानून बनाने का काम हमने किया। विधानसभा और लोकसभा इस सदन तो यही माध्यम है जिनके माध्यम से नीति बनाकर हम देश का निर्माण करने का काम करें, और निर्माण का काम विधानसभा में अच्छी तरह से हुआ। यहाँ के जितने भी हमारे नेता थे उन्होंने आदर्श की पालना की, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। और मुझे यह भी कहते हुए प्रसन्नता महामहिम महोदय, इन्हीं राजस्थान की विधानसभा से निकले हुए माननीय सदस्यों ने उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। आज हमारे यहाँ से निकले हुए माननीय सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं और उपराष्ट्रपति के पद भी उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, जिस ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ पर राजस्थान के निर्माण में राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर काम किया, उन ब्यूरोक्रेसी के लोगों में टी एन चतुर्वेदी सी ए जी के साल की हमारी उपलब्धियां बहुत है, दुनिया में प्रोग्रेसिव कंट्री बनकर आगे बढ़े हुए हैं, पर अगले 75 साल की जो चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों में सामाजिक विषमताएं कम हो,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कैसा परिवर्तन हो रहा है, इस समाज में आगे बढ़ने के लिए सामाजिक जो विषमता उसको कम कैसे कर सकें, किस तरह से हम सामाजिक सौहार्द बनाकर देश का निर्माण करने का काम कर सकें, वो आपकी उपस्थिति में प्रेरणा लेकर हम सब इस कदम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः राजस्थान की जनता की तरफ से, माननीय विधायकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि एक विधानसभा का विधायक मैं 1980 में बना था हमारे मुहिम, आज 2023 है, मुझे भी 43 साल हो गए। इस राजनीतिक जीवन में जो अवसर मुझे मिला है, पहली बार महामहिम का स्वागत करते हुए मेरे जीवन का जो सुखद क्षण है वो राजस्थान की जनता के ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक क्षण रहेगा। आपकी स्थिति, आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में उपस्थित विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सीपी जोशी जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, अन्य सभी गणमान्य जनों को का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सभी के साथ आज यहाँ लोकतंत्र को सशक्त करने से जुड़े इस पवित्र और गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र स्थल है, पवित्र सदन है। मैं मानता हूँ कि विकास की जो भावी मानवीय आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप नियम कानून बनाने और हमारे लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने का यह पावन स्थल है। विधायिका यदि प्रभावी रूप में कार्य करती है तो उसका सीधा असर कार्यपालिका पर पड़ता है और कालांतर में इसे जनता के हित से जुड़े मुद्दों, विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर लाया जाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए इस सदन के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे सदन की मर्यादा को कायम रखते लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। भारतीय परंपराओं में आरंभ से ही लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो तरह के गणराज्यों के बारे में चर्चा है। पहला है अयुद्ध गणराज्य, अर्थात ऐसा गणराज्य जिसमें केवल राजा ही फैसले लेते हैं, और दूसरा है श्रेणी गणराज्य, माने इसमें हर कोई भाग ले सकता है। वैशाली इस कोटिका देश का प्राचीन गणराज्य माना गया था, पर इससे भी पहले पाणिनि ने कुछ गणराज्यों का वर्णन अपने व्याकरण में किया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जनपद शब्द का प्रयोग आया है। जनपद माने ऐसे स्थान जिनकी शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं लोकतंत्र से जुड़े देश के सभी सदनों का सदस्य रहा हूं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के नाते आज राज्यपाल पद पर हूं, परंतु इससे पहले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आज सभी में मैंने काम किया है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में मेरी गहरी आस्था प्रारंभ से ही रही है। यहाँ अपने अनुभवों के आधार पर कहूँगा कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल और केवल जनता है जो चुनकर अपने प्रतिनिधियों को संवैधानिक संस्थाओं में भेजती है। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंतर्गत हमारा सर्वोच्च कर्तव्य भी यही है कि जन विश्वास पर खरा उतरते उनके सर्वांगीण विकास के लिए
इन संस्थाओं के जरिए हम काम करें, प्रयास करें कि सदन निरर्थक बहस और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का स्थान नहीं है। यह वह स्थान है जहां पर जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सार्थक रूप में भावी ढंग से कार्य किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं कि स्वाधीनता का अर्थ राजनीतिक स्वाधीनता भर ही नहीं है, स्वाधीनता का अर्थ आर्थिक कल्याण, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास और भावनात्मक पुनर्जागरण। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि वह इसी संदर्भ में अपने लोकतांत्रिक शक्तियों का अधिकाधिक उपयोग करें। लोकतांत्रिक मूल्य मतदान से चुनी सरकारों में ही निहित नहीं है, बल्कि यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की वह आवाज है जिसमें पूर्वाग्रहों से परे होकर किन्हीं सार्थक मुद्दों निर्णयों पर मंथन किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सदन के पवित्र सदन में पक्ष प्रतिपक्ष संवैधानिक मर्यादाओं के साथ सहमति असहमति के जरिए अपनी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति करें। सदन के प्रतिनिधि अपनी बात सदस्य सदन में रखें, परंतु अनुशासन और शालीनता के साथ। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो कर्तव्यों का पाठ भी पढ़ाया। जरूरत इस बात की है कि दोनों के प्रति ही सजग रहा जाए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडलों के अंतर्गत चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत सारे अधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत तो देखिए, आप देख रहे हैं विधानसभा की ये तस्वीरें जहां पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, साथ ही कलराज मिश्र जो राज्यपाल हैं राजस्थान के, उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने संबोधन से स्वागत किया और साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। और थोड़ी देर में आपको बता दें कि संबोधन शुरू होने वाला है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का।